हाय फ्रेंड्स, तो चलिए आज आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि सामान्य अध्ययन का है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी BJP के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ए नंबर है मुरली मनोहर जोशी, बी है लाल कृष्ण आडवाणी, सी है अटल बिहारी वाजपेयी, डी है इसमें से कोई नहीं। इसमें से सी नंबर आपका सही आंसर है। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात प्रथम अध्यक्ष थे। तो चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या है, भारतीय जनता पार्टी का गठन वर्ष 1980 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब दूसरा नंबर चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर है सर थॉमस रो, इंग्लैंड के किंग जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो ए है औरंगजेब, बी है शाहजहां, सी है अकबर, डी है जहांगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जहांगीर। तो सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग्स जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में 1616 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था जो जेम्स वन के राजदूत के रूप में 1619 में जहांगीर के दरबार में आया था। ये देखिए, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या है। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है, सांची स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सांची स्तूप की खोज हुई थी आपका किस वर्ष, इसका आंसर आपको देना। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जाके ABC करके आप टाइप करके आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, ए नंबर में 1720, बी नंबर में 1818, सी नंबर में 1836, डी नंबर में 1958। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1818 में सांची स्तूप की खोज हुई थी। 1818 में सांची स्तूप की खोज हुई थी, ये है आपका आंसर। तो देखिए, सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप की खोज वर्ष 1818 में अंग्रेज अधिकारी जनरल टेलर ने की थी। तो चलिए देखते हैं इसके बाद अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है। चार नंबर क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ए नंबर है संघ राज क्षेत्र दल बदल, सी नंबर आरक्षण बढ़ाना, पंचायती राज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, दल बदल से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन में दल बदल के बारे में है। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है पाँच नंबर पर, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर आप अगर जानते हैं तो कमेंट में जाके इसका आंसर लिखिए। ए नंबर में है शेर, दूसरा में हिरन, सी में है बाघ, डी में है हाथी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हाथी के लिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यह केरल राज्य में स्थित है। यह है आपका केरल राज्य में स्थित कौन, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए 6 नंबर, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? भारत की सबसे सहायक नदी कौन सी, इसका आंसर देना है आपको। तो ए नंबर में सोन, बी में है चंबल, सी में है यमुना, डी में है कंडक। तो इसका आंसर है सी, सी में है यमुना। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी, जिसका लंबाई है 1375 किलोमीटर है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर है। ये देखिए 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन यह भारत में सिर्फ का 1916 किलोमीटर ही बहती है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए 7वां क्वेश्चन, हरियक वंश का शासक
अजात शत्रु किसका पुत्र था? ए नंबर है उदयन, बी नंबर है नागदशक, तीसरा है सी नंबर है अनिरुद्ध, डी है बिंबिसार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिंबिसार। बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजात शत्रु को कुनिक के उपनाम से भी जाना जाता था। उदयन अजात शत्रु का पुत्र था। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। आठवां नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधिकारिक आधारशिला कब रखी गई? मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई? ए नंबर है 1913, बी है 1905, सी है 1921, डी है 1924। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1913 में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इसका आधिकारिक वर्ष 1913 है, 13 में रखी गई थी। यह वर्ष 1924 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इसके वास्तुकार जॉर्ज विटेट थे। इसका प्रवेश द्वार का निर्माण इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के भारत आगमन 1911 में की यादगार में हुआ था। इसका यादगार में इसका उद्घाटन किया गया था। तो नवा नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए नंबर है तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी है मध्य प्रदेश, डी है उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। तो ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले में स्थित है। दसवां नंबर क्वेश्चन है आपका, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन बेकाल झील, बी नंबर ऑप्शन है करदा झील, सी नंबर ऑप्शन है लिंकनवर झील, डी नंबर ऑप्शन है ग्रेट बियर झील। तो इसका आंसर है ए, बेकाल झील को पर्ल्स ऑफ साइबेरिया बेकाल झील को कहा जाता है। बेकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित एक मीठे पानी का झील है। बेकाल झील विश्व की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या। 11 नंबर क्वेश्चन है, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? ए नंबर नागरी, बी नल्ला माला, सी हर्षले, डी अंतरगिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंतरगिरी में स्थित है। बोरा गुफाएं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में अराकू घाटी के पास अंतरगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इन्हें भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफाओं में से एक माना जाता है। बोरा गुफाएं की खोज 1807 ईस्वी में विलियम किंग जॉर्ज नाम के एक शख्स ने की थी। 12 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? ए भारतीय सांख्यिकी संस्थान, बी वित्त मंत्रालय, सी राष्ट्रीय विज्ञान परिषद, डी वित्त संस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वित्त मंत्रालय। आर्थिक मामलों के विभाग भारत का वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट से पहले हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ए बृहदत्त, बी कुमारगुप्त, सी विष्णुगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विष्णुगुप्त, जो गुप्त वंश की संस्थापक स्थापना श्री गुप्त ने की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? ए नंबर है माउंट विंसेंट में से, बी नंबर है माउंट कोसियोस्को, सी नंबर है माउंट एल्ब्रुस, डी नंबर है माउंट मैकेले। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, माउंट कोसियोस्को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने लिए क्या है। 15 नंबर, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर ए नंबर पश्चिम से पूर्व की ओर, बी नंबर सूर्य से पूर्व से पश्चिम की ओर, सी नंबर उत्तर से दक्षिण की ओर, डी नंबर दक्षिण से उत्तर की ओर घूमती है। इसको बताना, आपको आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इसका आंसर ए बी सी डी करके। इसका आंसर है आपका ए, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो
इसका ए नंबर ऑप्शन है रिगेल, बी नंबर ऑप्शन है पॉक्टिस्मा सेंटोरी, सी नंबर है ध्रुव तारा, डी नंबर है साइरस। तो इसका आंसर है बी नंबर। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा पॉक्टिस्मा सेंटोरी है। पृथ्वी से इसकी दूरी 4.22 प्रकाश वर्ष है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किस दो परतों के बीच है? गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? इसका आंसर आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन है क्रस्ट और मेंटल, बी नंबर है मेंटल और कोर, सी नंबर आंतरिक और बाहरी कोर, डी नंबर ऊपरी और निचला मेंटल। बी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मेंटल और कोर पर इसका आंसर हो जाएगा। राजा रानी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए नंबर असम, बी केरल, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर उड़ीसा। राजा रानी मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी गोदावरी, डी सरस्वती। इसका आंसर हो जाएगा डी। 20 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए और यह है आज का अंतिम क्वेश्चन, जो कि है झंडा गीत किसने लिखा है? तो ए नंबर ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी नंबर है श्यामलाल गुप्त, सी नंबर है मैथिली शरण गुप्त, डी नंबर है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो झंडा गीत विजय विस्पति रंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसका रचना श्यामलाल गुप्त ने की थी। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। आज का वीडियो समाप्त करने के लिए सबसे पहले आपको बता देते हैं, सबसे इसको अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपके लिए इसी तरह का वीडियो और लाते रहेंगे। धन्यवाद।